जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन अक्सर वेरी कर रहे होते हैं। अब ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स बेसिकली तब होते हैं जब एक बेबी डेवलप होना स्टार्ट होता है, उसकी एक जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी फॉर्मेशन का प्रोसेस जब स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स बेसिकली तभी उसी वक्त ही ह्यूमन बॉडी के अंदर डेवलप हो जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है जब जीन्स आपस में मिलती हैं तो उनमें से कौन सी जीन है जो डोमिनेंट हो जाती है। अगर वो डिसऑर्डर या डिजीज़ वाली जीन है और वो डोमिनेंट हो गई है तो डेफिनेटली वो फिर एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। पहले दादा में, परदादा में, अबू में, नाना में, दादी में, अम्मी में, जिसमें भी है वो उनके ऑफस्प्रिंग्स में आगे से आगे ट्रांसफ़र होता जा रहा है, एक ही किस्म की जीन जो है वो डोमिनेंट हो रही है हर जनरेशन में, तो उसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जो डायरेक्टली इनहेरिटेड होते हैं या फिर इनहेरिटेड नहीं होते लेकिन जब उनकी फॉर्मिंग हो रही होती है, उनकी प्रोसेसिंग हो रही है, तो कुछ डिफेक्टिव जीन्स होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। पेरेंट्स के अंदर नहीं होते लेकिन वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं ऑफस्प्रिंग्स में। मतलब उस तरह के डिसऑर्डर्स या उस तरह की डिजीज़ आपको पेरेंट्स में या उनके पीछे किसी भी फोरफादर में नज़र नहीं आएगी, दैट मीन्स कि वो जीन उनमें डोमिनेंट नहीं थी, रिसेसिव जीन्स थी, ठीक है, लेकिन जब वो ऑफस्प्रिंग में वो ट्रांसफ़र हुई तो वो डोमिनेंट जीन बन गई। तो इस तरह से क्या होता है कि डिफेक्टिव जीन जो है वो पास होती हो और ऑफस्प्रिंग में जाके वो प्रोमिनेंट या डोमिनेंट हो जाती है, तो फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी बनते हैं, उसको भी जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। पीछे तो किसी को नहीं था तो इसको कैसे हो गया, लेकिन ये श्योर है कि ये डिसऑर्डर जेनेटिक ही होता है। बिल्कुल पेरेंट्स कैरियर होते हैं जीन्स के, लेकिन अब उस हम हर तरह की जो डिफेक्टिव और अच्छी जीन्स होती हैं, हम पेरेंट्स अक्सर दोनों तरह की जीन्स के कैरियर होते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि उनकी प्रेवलेंस क्या थी, वो किस तरह से अकर हुए, उसको डिटरमाइन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स तो कैरियर होते हैं और हम उनके फोर फादर सारे सभी कैरियर होते हैं, लेकिन ये डिसऑर्डर कहीं देखने में नहीं मिलता, लेकिन ये कहा जाता है कि ये डिसऑर्डर जेनेटिक ही होता है, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो जो सबसे ज़्यादा कॉमन पूछे जाते हैं वो है डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, फेनाइल केटोनूरिया जिसको हम PKU कहते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कलर ब्लाइंडनेस एंड हेमोफीलिया। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, अब यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि ये पेयर होते हैं, जीन्स के पेयर होते हैं हमारे पास 23 पेयर होते हैं। यहाँ पर ये जिसको मैंने सर्कल किया है 21, इसमें देखें कि ये 3 का पेयर है, 2 होने चाहिए थे ना, तो ये 3 हैं। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो हमारा 21st पेयर होता है क्रोमोसोम्स का, उसमें एक एक्स्ट्रा होता है, उसमें एक थर्ड मेंबर भी इंक्लूड हो जाता है, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। अब डाउन सिंड्रोम क्या है, इसको हम कंजेनिटल डिसऑर्डर कहते हैं, रेफर टू एट वन टाइम मोनोगोलिज्म आफ्टर द अपेयरेंस ऑफ इंडिविजुअल सो अफेक्टेड। इस तरह के चिल्ड्रन में आपको लर्निंग डिसेबिलिटीज देखने में मिलेंगी, इसके अलावा इनमें विजुअल, हेयरिंग और हार्ट प्रॉब्लम्स भी देखने में मिलेंगी और उनकी अपेयरेंस भी कुछ इस तरह से होगी। तो हमारे पास है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक तो याद रखना है कि ये सिर्फ मेल्स में होता है, ठीक है। इसमें जो 23rd हमारे पास क्रोमोसोम का पेयर होता है उसमें एक्स और वाई का बेसिकली ये पेयर होता है, लेकिन यहाँ पे आपको देखने में आ रहा है कि एक एक्स एक्स्ट्रा है इसके अंदर, डबल एक्स वाई, ठीक है। अब एक्स किसको डिनोमिनेट करता है, नॉमिनेट करता है, ये फीमेल की जो भी हमारी करैक्टरिस्टिक्स होती है ना, ये बेसिकली फेमिनिन जो फीचर्स होते हैं उनको डिस्क्राइब कर रहा होता है एक्स क्रोमोसोम। अब क्योंकि इसमें डबल एक्स हो गया है और ये होता भी मेल्स में, इसका मतलब है कि इंडिविजुअल्स में जो मैस्कुलिन करैक्टरिस्टिक्स हैं वो उन करैक्टरिस्टिक्स को डेवलप नहीं कर सकेगा। हाँ, उनके अंदर फेमिनिन फीचर्स आपको देखने में मिलेंगे। किस तरह के फेमिनिन फीचर्स, सच एज एनलार्जिंग ऑफ द ब्रेस्ट एंड ब्रॉडनिंग ऑफ हिप्स, तो ये कुछ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में ये चीज़ आपको देखने में मिलेगी। अब ये भी बेचारा एक्स क्रोमोसोम एक्सीडेंटली अटैच हो जाता है, उसका बेचारे का ऐसा कोई मकसद होता नहीं है, लेकिन अब हो गया है तो क्या कर सकते हैं। सो कीप इन माइंड, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेल्स में होता है और जो 23rd क्रोमोसोम्स का पेयर होता है उसमें एक एक्स एक्स्ट्रा लग जाता है। जब एक्स एक्स्ट्रा लग गया तो उसमें फेमिनिन फीचर्स ज़्यादा इन्हांस हो जाते हैं। इसके अलावा इस तरह के जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के साथ जो पर्सन आते हैं उनमें अक्सर
बहुत ज़्यादा नहीं, उनमें अक्सर आपको रिटार्डेशन देखने में मिलेगी जो वर्बल इंटेलिजेंस से रिलेटेड होती है, कि आपने वर्बली एक्सप्रेस करना है चीज़ों को, तो वो उसमें थोड़े से रिटार्डेड होते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में अब आप अगेन देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा 23rd पेयर होता है क्रोमोसोम्स का, इसमें जस्ट एक्स है, वाई है ही नहीं। अब जस्ट एक्स है तो वाई है ही नहीं, तो अब यहाँ पर इनमें क्योंकि वाई ही नहीं है, तो दैट मीन्स कि ये सिर्फ अब फीमेल्स में होता है। यहाँ पर एक क्रोमोसोम मिस है। क्लाइनफेल्टर में क्या था, एक एक्स्ट्रा लग गया था। टर्नर सिंड्रोम में एक मिस होता है, मतलब जिसको होना चाहिए था वो भी नहीं होता। अब हमारे पास जो हमारी सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो अब जो इस तरह की फीमेल्स होती हैं टर्नर सिंड्रोम के साथ, वो उसको डेवलप नहीं कर पाती। देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अप्रोप्रिएट सेक्स हॉर्मोन्स एट पुबर्टी विल लीड टू अ मोर टिपिकल अपेयरेंस। तो इस तरह की जो इनकी जब पुबर्टी की एज होती है, तो इनमें कुछ टिपिकल अपेयरेंस मिल देखने में आती है, और इनकी जो हाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, लाइक एवरेज हाइट होती है 143 सेंटीमीटर्स, और इसके अलावा कुछ खास ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं होती। इसके बाद है फिनाइल कैटेनूरिया। फिनाइल कैटेनूरिया PKU, जैसे हमने कल मेटाबॉलिज्म की बात की थी, हम जो भी फूड इंटेक करते हैं वो मेटाबोलाइज होता है, और उसमें से डिफरेंट तरह की जो एनर्जीज हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, और डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स तक वो पहुँचाई जाती हैं। अब इसमें हमारे पास फिनाइल कैटेनूरिया PKU, ये भी एक इनबॉर्न एरर होता है मेटाबॉलिज्म का। इसका मतलब ये है कि हम जो भी डाइटरी प्रोटीन्स ले रहे हैं, वो जो डाइटरी प्रोटीन्स ले रहे हैं उसमें फिनाइलएलानिन एक हमारे पास एक फैक्टर होता है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास फिनाइलएलानिन जो एंजाइम है, ये इसको मेटाबोलाइज करती है हमारी बॉडी, फिनाइलएलानिन को हम कन्वर्ट करती है हमारी बॉडी किस में, ट्रायोसिन में। और ट्रायोसिन में जब इसको इसकी तोड़फोड़ होती है, तो उसके अंदर ट्रायो मतलब तीन तरह के बॉडी के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं या एंजाइम्स हैं या प्रोटीन्स हैं, वो सारी प्रोड्यूस होती हैं, और उनका नाम है डोपामीन, प्रोटीन्स एंड मेलानिन। अब ये तीनों प्रोड्यूस होती हैं और हमारी बॉडी तक पहुँचाई जाती हैं, और इस सारी चीज़ों को हम कहते हैं फिनाइल कैटेनूरिया। अब ये फिनाइल कैटेनूरिया क्या होगा कि ये सारा जो फिनाइलएलानिन है, ये इसकी ये ब्रेक डाउन नहीं हो रहा ट्रायोसिन में, तो उसकी बजाय अब हमारे जिस्म में क्या बन रहा है, फिनाइल पाइरूविक एसिड। ये एसिड हमारी बॉडी में डेवलप होना शुरू हो जाता है। जब ये एसिड डेवलप होता है, तो फिर हमारी बॉडी में जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बोन्स को, हमारे ब्रोटअप में, हमारे मसल्स में, वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं हो रही हमारी बॉडी की। अब इसकी एक ही हल है कि आप वो सारी डाइट जिसके अंदर प्रोटीन्स शामिल होती हैं, वो आप डाइट नहीं लेंगे, तो ही आप इससे बच सकते हैं। लेकिन अगर आप ले रहे हैं तो क्या होगा, अगर हम PKU के पेशेंट्स को ट्रीट नहीं करते, तो उनके बच्चे अब किस तरह के होंगे। हाँ, फिनाइल कैटेनूरिया में हम कह रहे हैं कि प्रोटीन डाइट को हम कम कर देंगे, लेकिन वो लेडीज़ जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, उनको प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। और जब उनको प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है और वो अनट्रीटेड रह जाते हैं, जाहिर है उन्होंने प्रोटीन डाइट को कंट्रोल नहीं किया, तो अब जब उनकी बेबी जो बर्थ होंगी उसकी, अब वो किस तरह की होंगे, उनका बर्थ वेट काफ़ी ज़्यादा कम होगा, उनमें कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स आपको देखने में मिलेंगी, उनका हेड का साइज़ जो है वो काफ़ी स्मॉल होगा। और अगर जो हमारा हेड का या ब्रेन का साइज़ स्मॉल होता है, इसको हम कहते हैं माइक्रोसेफली, ठीक है। इसके अलावा उनके जो फेस होते हैं वो डीफॉर्म्ड होते हैं, तो इसे हम कहते हैं फेशियल डिसमॉर्फीज। और अगर हेड से रिलेटेड है तो माइक्रोसेफली। सो ये PKU का ये एक है ड्रॉबैक, कि अगर बॉडी हमारी प्रोटीन्स को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही, तो फिर उससे PKU एक बीमारी है वो डेवलप होती है, जो इनबॉर्न ही एक एरर है हमारी बॉडी के अंदर, या जेनेटिक डिसऑर्डर है जो इस तरह से चलता रहता है। अच्छा जी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, इसको हम CFB कहते हैं। क्या कहते हैं? CF, सिस्टिक फाइब्रोसिस। इससे ज़्यादातर जो इस डिसऑर्डर से जो इफेक्ट होते हैं, वो हमारे लंग्स होते हैं, पैंक्रियास, लीवर, किडनीज एंड इंटेस्टाइंस।
तो इस जेनेटिक डिसऑर्डर से हमारे ये वाले मेजर एरियाज जो हैं वो इससे डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स में, इंटेलिजेंस में, ट्रेट्स में, पर्सनालिटीज़ में, इन चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं होता। ये फिजिकल एक एबनॉर्मेलिटी हमें देखने में मिलती है जो इंटरनल होती है, अपेयर नहीं होती। इसके बाद है हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि ये लोग या तो कलर को देख नहीं पाते, ठीक है, या फिर बहुत कम उनको ये कलर देखने में मिलते हैं। और ये बेसिक कौन से कलर्स होते हैं डे टाइम में, ये जो हम डिफरेंट कलर तरह के डिफरेंट टाइप्स के कलर्स देख रहे होते हैं, ये इनमें से रेड और ग्रीन, ये दो ऐसे कलर्स हैं जिनको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। अगर कोई चीज़ रेड कलर की है तो उन्हें उसका कलर कुछ येलोइश टाइप नज़र आता है, अगर ग्रीन है तो भी उसको वो येलोइश टाइप ही नज़र आती है, ठीक है। तो ये कलर ब्लाइंडनेस होता है कि आप डे टाइम में कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। कौन से कलर्स होते हैं? रेड और ग्रीन, और अक्सर औकात कुछ लोगों में ब्लू कलर भी होता है कि ब्लू भी नहीं आइडेंटिफाई कर पाते। अच्छा मैम, इसमें म्यूकस की ओवर प्रोडक्शन होती है जो कि इन्फेक्शन को लीड करती है। बिल्कुल, इसमें म्यूकस जो है उसकी प्रोडक्शन कुछ ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन होते हैं हमारे पास लंग्स के, पैनक्रियाज के, लीवर्स, किडनीज और इंटेस्टाइंस के, ठीक हो गया। कलर ब्लाइंडनेस, इनएबिलिटी टू सी द डिफरेंस बिटवीन सर्टेन कलर्स। बिल्कुल, जो हम कलर ब्लाइंडनेस में जो मोस्टली कलर्स का अगर नाम पूछा जाता है कि कौन से कलर्स नज़र ये नहीं देख पाते कलर ब्लाइंडनेस वाले, तो ऐसा नहीं है कि उनको कोई कलर नहीं नज़र नहीं आता, वो उनको रेड और ग्रीन कलर मोस्टली जो है वो नज़र नहीं आता, लेकिन अक्सर में ब्लू कलर भी हमें मिलता है कि ब्लू भी वो नहीं देख पाते, बट मोस्टली ग्रीन और रेड कलर। इसके बाद है हमारे पास हेमोफीलिया। हेमोफीलिया में क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कुछ जब ब्लीडिंग होती है तो कुछ क्या कहते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। ये एक सब्सटेंस होता है हमारे ब्लड में जिसको हम कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। जैसे ही कोई कट लगता है या डैमेज होता है हमारी बॉडी में, तो वो क्लॉटिंग फैक्टर्स ब्लड के साथ मिलके ब्लड को काफ़ी ज़्यादा थिक कर देते हैं और वहाँ पे क्लॉट बना देते हैं। उस क्लॉट बनने के बाद ब्लीडिंग रुक जाती है, लेकिन जो हेमोफीलिया के पेशेंट्स होते हैं इनमें वो ब्लीडिंग नहीं रुक पाती। वो जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो ब्लड के साथ मिलके क्लॉट नहीं बना पाते, ब्लड को थिक नहीं कर पाते, तो ब्लड ब्लड काफ़ी थिन ही रहता है और वो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। सो उनको हल्का सा भी कट लगता है तो वो ब्लीडिंग नहीं रुकती। सो दैट इज़ कॉल्ड हेमोफीलिया। अब इसमें जो फैक्टर्स होते हैं जिसको हम क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं, वो भी डिफरेंट होते हैं। ए बी सी है, उसको हम कहते हैं हेमोफीलिया ए, हेमोफीलिया बी और हेमोफीलिया सी। अब उसमें ये जो फैक्टर्स हैं ये भी बहुत सारी टाइप्स के होते हैं, ऑलमोस्ट कोई रोमन नंबर्स में इनके फैक्टर्स के नाम लिखे होते हैं, लेकिन इतनी डेप्थ में नहीं जाना। बस हेमोफीलिया याद रखें कि इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो क्लॉट नहीं बना पाते और ब्लीडिंग नहीं रुकती। इसके बाद हमारा जो एक लास्ट टॉपिक रह गया है वो है न्यूरॉन्स की टाइप्स। हमने न्यूरॉन्स का पढ़ा बेसिक स्ट्रक्चर, इसकी थ्री टाइप्स होती हैं वो आपने याद रखनी है। न्यूरॉन्स को हम क्लासीफाई करते हैं बाय शेप एंड बाय फंक्शन। तो अगर हम इनको बाय शेप देखें तो ये तीन तरह के होते हैं, और अगर हम इनको बाय फंक्शन देखें तो भी इनकी थ्री टाइप्स होती हैं। फॉर मोर वीडियोस कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड फॉलो योर क्यूरियोसिटी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।